दोस्तों आज बीटीएससी एनएम 10709 पोस्ट के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में था। फाइनली सुनवाई समाप्त हो गई है। सुनवाई के दौरान क्या क्या अपडेट निकल के आई है, क्या क्या पास हुआ है, किस किस टॉपिक पर बातचीत हुई है, क्या नया डेट दिया गया है या केस क्लियर हो गया है, किसके हक में फैसला आया है, 32127 एनएम बहनों के हक में या 8791 एनएम बहनों के हक में फैसला आया, तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। सुरजीत सर का मैसेज अभी अभी मेरे पास आया है, तो चलिए सबसे पहले सुरजीत सर का हम मैसेज दिखाते हैं, सुरजीत सर का पिक दिखाते हैं, जो सुरजीत सर क्या अपडेट दिए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एनएम 10709 केस की सुनवाई था। जानिए सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ है, किसके पक्ष में फैसला हुआ है। संविदा 32127 एनएम बहनों के पक्ष में या सीबीटी क्वालिफाई 8791 एनएम बहनों को पक्ष में। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था, सुनवाई के दौरान क्या क्या अपडेट निकल के आई है, सुरजीत सर क्या मैसेज किए हैं। तो चलिए सुरजीत सर का मैसेज सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं और सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किसके पक्ष में फैसला हुआ है। 32127 एन एम बहनों को पक्ष में या 8791 एन एम बहनों के पक्ष में। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, फाइनली सुरजीत सर का मैसेज आ गया मेरे पास। आवश्यक सूचना, आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार को आज के बहस में नोटिस जारी हुई है कि आपका क्या राय है, यानी बिहार सरकार को एसएलपी में क्या राय है, जिसकी सुनवाई अब मंगलवार को होगी। यानी अभी सरकार की राय जानने के बाद ही एसएलपी का एडमिशन होगी। धन्यवाद सुजीत कुमार। चलिए ये फर्स्ट मैसेज हो गया, हम आपको समझाएंगे, अभी सेकेंड मैसेज आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद सेकेंड मैसेज सर किए हैं, तब एसएलपी के एडमिशन होगी, उसके बाद मेरिट पर बहस होगी। अभी कोई मेरिट पर बहस नहीं हुई है। उसके वकील बोले कि 10,000 की जीवन की सवाल है, इसलिए सरकार को बुलाया गया है, तब मेरिट पर बहस होगी, तब इन लोगों की एसएलपी का एडमिशन होगी। देख लीजिए 1:03 में ये मैसेज है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब क्या समझ में आ गया हम आपको बताते हैं, क्योंकि बिहार सरकार तो इसमें अभी साइड है। सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट है और संविदा एनएम बहन है, तो बिहार सरकार तो इसमें है नहीं। तो बिहार सरकार को नोटिस जारी हुआ है, बिहार सरकार ये जानकारी देंगे जो बिहार सरकार की इस केस को लेके क्या राय है, उसके बाद ही आपका केस चढ़ेगा। अभी केस की बहस नहीं हुई, केस का एडमिशन नहीं हुआ। चलिए आगे बता रहे हैं, सुरजीत सर का पिक भी दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए हमारे बब्बर शेर सुरजीत सर हैं, हमारे सीनियर वकील देवदत्त कामत सर है, और देख लीजिए सम्मान वर्धन गौतम सर है, आपके सामने है। ये कोर्ट के बाहर का सीन है, चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए। ये कोर्ट का अंदर का सीन है, जिस समय देख लीजिए सर बहस करने के लिए तैयार थे हमारे देवदत्त कामत सर, ये अंदर का तस्वीर है। चलिए आगे बताते हैं, जिस समय हमारे सुरजीत सर टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के ये बाहर का सीन है, देख लीजिए आप। अब चलिए पूरे डिटेल्स में इस केस के बारे में आपको बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप देख लिए, सुरजीत सर का मैसेज देख लिए, सुरजीत सर का पिक देख लिए, सुनवाई आज हुआ है, केस का एडमिशन नहीं हुआ, मतलब केस नहीं चढ़ा, ठीक है। इसलिए नहीं चढ़ा है क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए, जो क्वालिफाइड एनएम और संविदा एनएम ही अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है, सरकार अभी इसमें नहीं है। तो सरकार को अभी एक लेटर लिखा गया है, सरकार से ये जवाब मांगा गया है कि इस केस को लेके आपका क्या राय है, आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही न्यू हेयरिंग डेट मंगलवार को पड़ा, ठीक है। तो मंगलवार के सरकार के तरफ से भी वकील हायर होगा, सरकार भी अपने पक्ष में कुछ बोलेंगे, जो सरकार किसके साइड है, सीबीटी क्वालिफाइड एनएम के साइड है या 32127 एनएम बहनों के साथ है, मतलब संविदा बहनों के साथ है। तो सरकार के वकील मंगलवार को क्या पक्ष रखते हैं, उसके बाद केस का एडमिशन होगा, उसके बाद मेरिट पर सुनवाई होगी, ठीक है। इसलिए आज कुछ नहीं हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। जो भी कह रहे हैं कि सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट को जीत हो गई है, गलत बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, समझे कि नहीं। जो जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपडेट निकल के आई है, वही हम आपके बीच शेयर किए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करा और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही और भी अपडेट आएगा बीटीएससी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।